रुकावटों की वजह से कोशिशें अटकनी नहीं चाहिए। रुकावटों की वजह से कोशिशें अटकनी नहीं चाहिए, चंद मुश्किलों की वजह से राह भटकनी नहीं चाहिए। तो चलिए इसी ग्रेट थॉट और एनर्जी के साथ हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर और देखते हैं कि रिटेनिंग वॉल की हिस्ट्री क्या है, उसके कौन से मेन पर्पस है, कौन से बेसिक कंपोनेंट्स है, कौन कौन से फोर्सेस उसके ऊपर एक्ट करते हैं, कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती है, कौन सी कंडीशंस उसके स्टेबिलिटी के लिए रिक्वायर्ड होती है, ये सारी चीजें हम पहले से लेकर आखिर तक इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सबसे पहली चीज के रिटेनिंग वॉल की हिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो रिटेनिंग वॉल की हिस्ट्री क्या है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रिटेनिंग वॉल का बेसिक फंक्शन क्या है, क्या होती है रिटेनिंग वॉल, हम उसकी हिस्ट्री तो जान लेंगे लेकिन क्या काम आती है, किस चीज की होती है। ठीक है, तो रिटेनिंग वॉल का बेसिक जो फंक्शन होता है वो यही होता है कि अगर हमें दो डिफरेंट एलिवेशन, अगर दो मटेरियल डिफरेंट एलिवेशन पर है और वही एलिवेशन हमें अगर उसका मेंटेन रखना हो तो हम क्या करते हैं, उन दोनों के बीच में एक नया मेंबर या एज अ सपोर्ट इंसर्ट करते हैं, दैट इज नथिंग बट रिटेनिंग वॉल। सपोज कीजिए कि ये दो अलग अलग सरफेस है अलग अलग हाइट के ऊपर, ठीक है, अलग अलग हाइट के ऊपर सरफेस है, इन दोनों की एलिवेशन अलग अलग है तो हमें इसे मेंटेन रखना है, हमें इस चीज को यहाँ पे आने नहीं देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रिटेनिंग वॉल प्रोवाइड कर देंगे जो इस चीज को रिटेन करके रखेगी। ठीक है, ये बेसिक पर्पस था रिटेनिंग वॉल का। अब रिटेनिंग वॉल आई कब, डिस्कवर कब हुई। ठीक है, तो अगर आप ये सोचते होगे कि रिटेनिंग वॉल को भी हम जैसे किसी इंजीनियर ने डिस्कवर किया होगा, इन्वेंट किया होगा किसी कारण के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। रिटेनिंग वॉल 20 बीसी जेरूसलम के अंदर जब टेंपल माउंट का कंस्ट्रक्शन हो रहा था तब डिस्कवर हो चुकी थी। एक्चुअली जब वो टेंपल माउंट कंस्ट्रक्ट हो रहा था वो एक लाइमस्टोन के पहाड़ पर कंस्ट्रक्ट हो रहा था। ठीक है, तो उसके रिटेनिंग वॉल के अंदर जो मटेरियल यूज किया गया है वो लाइमस्टोन ही यूज किया गया, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वो जो वॉल थी वो लाइमस्टोन की थी। ठीक है, और उसमें से एक वॉल आज भी जेरूसलम के अंदर मौजूद है, नेमली उसे हम आज कॉमनली जानते हैं वेस्टर्न वॉल या फिर वेलिंग वॉल के नाम से। आप इस नाम को गूगल पर सर्च कर सकते हो, आपको सारी हिस्ट्री इसकी मिल जाएगी। ठीक है, हम फर्दर इसके बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस नहीं करेंगे वरना ये वीडियो टेक्निकल नहीं बल्कि हिस्टोरिकल बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम टेक्निकली बात करते हैं। तो ये थी उसकी हिस्ट्री। और एक चीज बता दूं आपको कि रोमन्स जो थे वो एक्वेडक्ट बनाने के लिए और एज अ ट्रांसपोर्ट वे यूज करने के लिए रिटेनिंग वॉल भी बनाते थे, और वो जो रिटेनिंग वॉल यूज करते थे वो थी बटरेस रिटेनिंग वॉल। ठीक है, रोमन्स जो उनके टाइम में यूज करते थे वो थी बटरेस रिटेनिंग वॉल। और एक ऐसी भी वॉल मौजूद है हमारी इस करंट वर्ल्ड के अंदर जो कि दुनिया की सबसे बड़ी रिटेनिंग वॉल मानी जाती है, एंड दैट इज नथिंग बट ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ रिटेनिंग वॉल जो कि चाइनीज डायनेस्टी या अलग अलग डायनेस्टी थी उनकी उस टाइम के ऊपर वो कंस्ट्रक्ट की गई थी। अलग अलग जो डायनेस्टी और एम्परर्स थे उनके, उन्होंने उसको एक्सपांड किया है और उसकी लेंथ आज अप्रोक्सीमेटली 8,851 किलोमीटर की है। कितनी, 8,851 किलोमीटर की। ठीक है, तो ये थे कुछ एग्जांपल उसकी हिस्ट्री। ठीक है, और उसका पर्पस तो हमने देख लिया है। उसके दूसरे अगर पर्पस हम देखें तो अगर हम आज इस करंट एरा के अंदर बिल्डिंग के अंदर जो बेसमेंट बनाते हैं, बिल्डिंग के नीचे जो बेसमेंट बनता है, तो बेसमेंट के कंस्ट्रक्शन के टाइम हमें क्या करना पड़ता है कि उसमें हमें रिटेनिंग वॉल प्रोवाइड करनी पड़ती है ताकि आजू बाजू की जो सॉइल है वो अंदर फिर से ना आ जाए। ठीक है, इसलिए वहां पे हम रिटेनिंग वॉल प्रोवाइड करते हैं। या फिर इसका अलग से एक दूसरा एग्जांपल आपको दूं तो जो हिली टेरेन के अंदर रोडवे पास होते हैं, तो हिली टेरेन के अंदर क्या होता है कि बार बार लैंडस्लाइड होती है, रॉकफॉल्स होते हैं, तो इन सारी चीजों को हमें अगर अटकाना है, रिटेन करना है, तो हम वहां पे रिटेनिंग वॉल प्रोवाइड करते हैं। या फिर जो ब्रिज होते हैं उनकी विंग वॉल्स होती है वो भी एज अ रिटेनिंग वॉल ही डिजाइन होती है। या फिर इसका एक और एग्जांपल आपको दे दूं मैं तो जो एम्बैंकमेंट होते हैं, एम्बैंकमेंट, ठीक है, तो उसे अगर स्टेबल करना, उसके स्लोप को अगर स्टेबिलिटी हमें देनी है तो हम वहां पे भी रिटेनिंग वॉल को यूज करते हैं। तो ये कुछ उसके मेन पर्पस और यूजेस थे जहां पे हम रिटेनिंग वॉल यूज करते हैं। अब इसके अगर हम बेसिक कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट जो हम डिजाइन करने वाले हैं उसके बारे में बात करूं तो जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, देखिए एक आपके सामने में टिपिकल रिटेनिंग वॉल ड्रॉ करने जा रहा हूं। ठीक है, ये एक टिपिकल रिटेनिंग वॉल है जिसके ऊपर से हम उसके बेसिक कंपोनेंट पता करते हैं। ठीक है, ज्यादा कंपोनेंट नहीं आते इसके, बहुत ही सिंपल डिजाइन भी होती है इसकी। सबसे पहली बात जो मेन कंपोनेंट है उसका, वो है ये वर्टिकल कंपोनेंट एंड दैट इज नेमली नोन एज स्टेम। हम इसे क्या कहते हैं, स्टेम। और दूसरा जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है ये बेस स्लैब।
ये पूरा क्या होता है, बेस लाइफ से कहते हैं, लेकिन ये फर्दर दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। ये जो इतना पार्ट होता है हम इसे कहते हैं टोस लैब, क्या कहते हैं इसे, टोस लैब, ठीक है, ये सामने वाला पार्ट, और जो पीछे वाला भाग होता है इसे हम कहते हैं हील्स लैब। ये टोटली नोमेनक्लेचर किया गया है ह्यूमन बींग के फुट के अकॉर्डिंगली, ठीक है, इसे हम कहेंगे हील्स लैब, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, हील्स लैब, और ये टोस लैब, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कंपोनेंट से, अगर हम और आगे हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जाए तो और दो कंपोनेंट्स ऐसे इसके अंदर जो ऐड होते हैं, एक उसमें से कंपोनेंट है काउंटर फोर्ट। अब काउंटर फोर्ट क्या है, कब यूज होता है, तो अगर हमारे रिटर्निंग वॉल की हाइट जो है अगर 6 मीटर से अबो जा रही है, 8 मीटर, 10 मीटर, 12 मीटर, तो हम ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे कि यहाँ पे काउंटर फोर्ट मतलब एक इंक्लाइन सपोर्टिव मेंबर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, उसे हम कहेंगे काउंटर फोर्ट, ठीक है ना, ये एक पर्टिकुलर अलग टाइप की रिटर्निंग वॉल बन जाती है, काउंटर फोर्ट रिटर्निंग वॉल, ठीक है, ये टाइप ऑफ रिटर्निंग वॉल के अंदर आएगा, हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एक लास्ट चीज है इसके अंदर, वो है शियर की। अब शियर की क्या है, कहाँ यूज होती है और कब यूज होती है, तो शियर की जो होती है, जब हमारी सॉइल यहाँ पे जो होती है ये बहुत ही ज्यादा प्रेशर डालती है इस वॉल पे, और ये वॉल जब इस प्रेशर को रेजिस्ट करने के कैपेबल नहीं होती, इसको ये विथस्टैंड नहीं कर पाती, और इसके कारण की वजह से क्या होता है कि ये आगे स्लाइड हो जाती है, आगे ये स्लाइड हो जाती है इस तरफ। तो इस चीज को अगर हमें अवॉइड करना है तो क्या करना होता है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रेजिस्टिव मेंबर प्रोवाइड कर देना होता है, उसे हम कहते हैं शीयर की, इसे हम क्या कहेंगे, शीयर की। इसकी भी कंडीशंस होती है वो हम फर्दर देखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक और मेन कंपोनेंट्स थे रिटर्निंग वॉल के जो हमें समझने हैं, जानने हैं और हमें डिजाइन भी करना है, ठीक है। अब इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी भी होती है, मैं आपको बता दूं, यहां पे सपोज कीजिए यहां पे ये सॉइल है, अर्थ है, हमारी वॉल जो है इसको रिटेन कर रही है, ठीक है, सपोर्ट कर रही, तो इस चीज को हम क्या कहेंगे, बैकफिल, हम इसके क्या कहेंगे, बैकफिल। और अगर इसके टॉप सरफेस पे कोई एक्स्ट्रा मटेरियल है, कोई अलग सी चीज है जो उसके ऊपर लोड लगा रही है, ठीक, तो उसे हम कहेंगे सरचार्ज, उसे हम क्या कहेंगे, सरचार्ज। और अगर सपोज कीजिए कि ये सरचार्ज जो होता है ये किसी एंगल पर लोकेट है, यहाँ पे किसी एंगल पे है, ये एंगल इंक्लिनेशन है, मतलब यहाँ पे इंक्लाइन सरफेस है, तो ये जो एंगल होता है इसे हम कहते हैं बीटा या फिर इंक्लिनेशन एंगल, ठीक है, सरचार्ज इंक्लाइन एंगल, संकलन सरचार्ज इंक्लिनेशन एंगल से कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी थी। और एक चीज रह जाती है कि अगर जब रेनी सीजन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे पानी जो होता है अंदर पेनेट्रेट होता है, रेन का रेन वाटर अंदर जाता है, तो ये अंदर जाने के बाद क्या होता है, अंदर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर क्रिएट करता है जो हमारी वॉल को डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो उसे रिलीज करने के लिए यहाँ पे हम वीप होल्स को प्रोवाइड कर देते हैं, क्या करते हैं, वीप होल्स को यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। ये क्या होता है, इस यहाँ से कि जो पोर वाटर प्रेशर होता है वो यहाँ से रिलीज हो जाता है। तो ये थी बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है पता होनी चाहिए विद कंपोनेंट्स, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि कौन कौन सी वॉल्स होती है, रिटेनिंग वॉल कौन कौन सी होती है, ठीक है, रिटेनिंग वॉल कौन सी होती है। तो सबसे पहले रिटेनिंग वॉल की अगर बात करूं मैं, तो वो होती है ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल, सबसे पहली चीज होती है ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल। उसके बाद है काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल, देन कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल, देन बॉक्स कलवर, ठीक है, और बटरेस रिटेनिंग वॉल। ये कुछ नॉन वेल नोन रिटेनिंग वॉल्स है जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन इनमें से हम जो डिस्कस करने वाले इन न्यूमेरिकल्स वो सिर्फ दो ही है, दैट इज कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल एंड काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल। अब इन दोनों चीजों के ऊपर हमें डिजाइन करना है अगर कंपोनेंट्स को, तो हमें पता होना चाहिए कि कितने लोड इसके ऊपर आने वाले हैं, कौन कौन से फोर्स इन रिटेनिंग वॉल पे एक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, सबसे पहला लोड अगर हम देखें, ठीक है ना, यहां पे मैं आपको फिगर के साथ समझाता हूं ताकि अच्छी तरह से समझ पड़े आपको। ये एक रिटेनिंग वॉल है, अगर ये एक रिटेनिंग वॉल है, अब इस पे कौन कौन से फोर्स एक्ट होते हैं, इस पे कौन कौन से फोर्स एक्ट होते हैं, तो सबसे पहले इसका सेल्फ वेट होगा, इसे हम W1 कर देते, ठीक है, इसका सेल्फ वेट सबसे पहले एक्ट होगा। उसके बाद जो बैकफिल होती है उसका वेट होगा, उसका फोर्स, वो भी फोर्स लगाएगा, ठीक है। उसके बाद
अगर कोई सरचार्ज आ रहा है वो भी एक फोर्स लगाएगा, ठीक है। देन लेटरल अर्थ प्रेशर, लेटरल अर्थ प्रेशर मतलब जो अर्थ का प्रेशर होता है लेटरल डायरेक्शन के अंदर, उसे हम लेटरल अर्थ प्रेशर कहते हैं, ठीक है। सेल्फ वेट हो गया, लेटरल अर्थ प्रेशर हो गया, प्रेशर ड्यू टू और फोर्स ड्यू टू बैकफिल हो गया। उसके बाद बेस स्लैब के नीचे जो सॉइल होती है उसका रिएक्शन, हमें पता है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन आएगा ये भी एक फोर्स है और इसे भी हमें कंसिडर करना होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, रिएक्शन या फिर फ्रिक्शन, सॉरी फ्रिक्शन बिटवीन बेस स्लैब एंड सॉइल। ये जो बेस स्लैब होता है और सॉइल होती है, ठीक है, इनके बीच में फ्रैक्शन होता है, तो फ्रैक्शन के कारण भी यहाँ पे एक फोर्स जनरेट होता है, तो वो भी हमें जो है यहाँ पे कंक्लूड करना पड़ता है। तो ये कुछ फोर्सेस थे जो रिटेनिंग वॉल पे आते हैं और जिसे कंसिडर करते हुए हमें आगे हर एक कंपोनेंट्स की डिजाइन करनी होती है, ठीक है। अब वो किस तरह से करनी है वो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब हम इन चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ फोर्सेस थे। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर कि कौन सी ऐसी कुछ क्राइटेरियाज है जो हमारी रिटेनिंग वॉल को स्टेबल रखते हैं, कौन से कंडीशन है, ठीक है। तो बेसिकली इसको स्टेबल रखने के लिए चार कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर हमें रिटेनिंग वॉल को स्टेबल रखना हो तो चार कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन होती है स्टेबिलिटी की, दैट इज स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग। स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग मतलब क्या होता है कि सपोज कीजिए ये एक वॉल है, ठीक है ना। तो ये वॉल जो होती है अगर यहां से मोमेंट जो आती है, इसकी वजह से जो मोमेंट लगती है इस फोर्स की वजह से, तो ये मोमेंट क्या करती है, इसको ओवरटर्न करने की ट्राई करती है, तो ये ओवरटर्निंग कहते हैं इसे। अब ये ओवरटर्निंग जो होती है इसके आगे भी हमारी रिटेनिंग वॉल जो है कि स्टेबल होनी चाहिए। उसके लिए IS 456 2007 के अंदर प्रोविजन हमें दे रखा है कि जो मोमेंट ऑफ टर्निंग होती है, मतलब ओवरटर्निंग मोमेंट होती है, ठीक है, ओवरटर्निंग मोमेंट, उसके अंदर जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इसका मेन फैक्टर जो होता है वो गवर्निंग होता है, वो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो IS कोड के अंदर प्रोविजन गिवन है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन 1.55, ठीक है। IS 456 के अंदर गिवन है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो 1.55 से ज्यादा होना चाहिए ओवरटर्निंग के लिए, ठीक है। अब अगर हम दूसरी चीज की बात करें तो वो है स्टेबिलिटी अगेंस्ट स्लाइडिंग, स्टेबिलिटी अगेंस्ट स्लाइडिंग। तो स्लाइडिंग कब होती है, जब ये प्रेशर इधर से इसको आगे की तरफ धकेलता है, ठीक है, तब ये वॉल क्या होगी, स्लाइड होगी। अब ये स्लाइडिंग ना हो तो इसके लिए भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें पता IS कोड के अंदर गिवन है कि इट शुड आल्सो ले ग्रेटर देन 1.55, ठीक है। और अगर ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, अगर हमारी वॉल के ऊपर कुछ ज्यादा ही प्रेशर यहां से लग रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे कि यहां पे हम शियर की को इंट्रोड्यूस कर देंगे। ये था बेसिक फंक्शन शियर की का, जो क्या करेगी कि इसे आगे स्लाइड होने से अवॉइड करेगी, ठीक है, इसे रेजिस्ट करेगी। तो ये था शियर की का मेन फंक्शन यहाँ पे। और जो तीसरी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन ये है कि मैक्सिमम प्रेशर जो है, आपको पहले बता दूं कि मैक्सिमम प्रेशर लगेगा इस लोकेशन पे और मिनिमम प्रेशर या फिर टेंशन लगेगा इस लोकेशन, या मिनिमम प्रेशर यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रेशर जो है इसकी भी कंडीशन हमें IS कोड के अंदर गिवन है, दैट शुड नॉट एक्सीड SBC। मतलब क्या कि पी मैक्स जो है, मैक्सिमम प्रेशर जो है वो SBC से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सॉइल बेरिंग कैपेसिटी जो होती है उससे ज्यादा मैक्सिमम प्रेशर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हो गई पी मैक्सिमम की बात, ठीक है। अब अगर हम बात करें नो टेंशन की, यहां पे टेंशन नहीं होना चाहिए अगर मिनिमम प्रेशर की बात करूं मैं, ठीक है। चौथी कंडीशन होती है नो टेंशन, या फिर हम कह सकते हो उसे पी मिनिमम, ठीक है, नो टेंशन या फिर पी मिनिमम, ठीक है। इसके लिए IS कोड के अंदर में एक कंडीशन गिवन है कि भाई ये जो है पी मिनिमम दैट शुड नॉट लेस देन जीरो, जीरो से ये कम नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या कि इसकी वैल्यू इन शॉर्ट नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, मतलब यहां पे टेंशन क्रिएट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ चार बेसिक सेटिस्फेक्शन थी जो हमें रिटेनिंग वॉल के अंदर सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है, करनी पड़ेगी व्हाइल वी आर डिजाइनिंग इट, ठीक। तो ये सारी चीजें हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इन चीजों को अप्लाई करना है, कौन कौन से फॉर्मूलाज है, कहाँ से वैल्यू पिकअप करनी है, किस तरह से कैलकुलेट करना है, ये सारी चीजें जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आपको बता दूं कि जो
नेक्स्ट वीडियो आने वाले इसके ऊपर, वो बेसिकली दो ही एग्जांपल के ऊपर होगी। सबसे पहली है वो कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल और दूसरी जो वॉल है वो काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल। इन दोनों के ऊपर हम एक एक एग्जांपल को डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल को, और उम्मीद करूंगा मैं कि उनके अंदर ही आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। अगर ना हो तो आप मुझे बता सकते हो, हम उसे फर्दर क्लियर करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है रिटेनिंग वॉल का, तो बेहतर है कि आप इसे ध्यान देकर समझिएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल के ऊपर कि ठीक है। तो चलिए, मैं होप करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट माय रेगुलर अपडेट्स।